ओवरऑल मेरा ब्रोशर होगा ब्लैक कलर का, तो सबसे पहले तो मैं इसको ब्लैक कलर देने जा रहा हूँ। काफ़ी बोरिंग बातें हो गई हैं, अब हम ब्रोशर बनाने की तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस एडजस्टमेंट लेयर, जो लेयर के पैनल के बिल्कुल नीचे आता है, इस पे गए, सॉलिड कलर पे क्लिक कर दें, एक सॉलिड कलर हमारे पास आ जाएगा। सॉलिड कलर को जिससे मैंने बिजनेस कार्ड ब्लैक एंड वाइट से स्टार्ट किया था, उस तरह ये अप्रोच बहुत इजी होती है। आप इसमें क्या होता है, हमें कलर ढूंढने में टाइम लगता है हमेशा, तो हम कलर हमेशा एंड में ढूंढते हैं। मैं यहाँ पे भी यही अप्रोच करूँगा, जस्ट गो विद ब्लैक, टाइम सेव करने के लिए। और इस लेयर को मैं रीनेम कर दूंगा, ये मेरी है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ठीक हो गया। बैकग्राउंड है चार मेरे पास सेक्शन हैं, और मुझे लगता है कि मैंने इसका कैनवस का साइज क्या रखा है, इंचेस 11 and 8.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है फिलहाल एक सिंपल कैनवस विद फोर सेक्शंस और बैकग्राउंड। सबसे पहले हम एक प्लेस होल्डर बनाएंगे। प्लेस होल्डर क्या होगा, वो प्लेस होल्डर को हम कहते हैं जब हमने इमेज डालनी हो किसी जगह पे और हमारे पास इमेज अभी फोटोशॉप में नहीं मौजूद, तो हम उसके लिए प्लेस होल्डर बना देते हैं। यानी कि मैं रेक्टेंगल पकड़ूंगा, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल, जो भी शेप आपने इमेज में डालना है आप वो इमेज उसका प्लेस होल्डर बना देंगे। मैं ऊपर से एक लाइन ड्रैग करूंगा, ये ऊपर आपके पास रूलर बना आ रहा है, अगर ये रूलर नहीं आ रहा ना, कंट्रोल आर प्रेस करें, ये चला गया, कंट्रोल आर प्रेस करें, ये आ गया। तो यहाँ पे रूलर शो हो रहा होगा, मूव टूल पे क्लिक करें, ऊपर से क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें, रफली जहाँ पे भी आपका दिल कर रहा है आप इसको रोक सकते हैं। मैं यहाँ पे कहीं पे रोक दूंगा, क्यों रोकूंगा, क्योंकि मैं अपनी जो पहली इमेज है वो इस ब्लॉक में डाल रहा हूँ, ये जो नीचे ब्लॉक आ रहा है इस ब्लॉक में डालने जा रहा हूँ। अगेन ब्रोशर का डिज़ाइन कोई फिक्स नहीं है, ये मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि अच्छा साबित होगा, मैं बैक एंड फोर्थ चेंजेस करता रहूँगा। तो पहले तो ये चार सेक्शंस हो गए मेरे पास, 1, 2, 3, 4, चार छोटे सेक्शंस आ गए। इनमें अब मैं प्लेस होल्डर बना रहा हूँ। किस तरह से बनाऊंगा, स्क्वायर पे क्लिक करें, रेक्टेंगल पे, और रैंडमली नहीं, अब हम रैंडम नहीं करेंगे क्योंकि हमने ग्रिड लाइंस बना ली है, तो मैं ग्रिड लाइंस को फॉलो करके एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया है, ठीक हो गया। ये रेक्टेंगल मैंने बनाया, और प्लेस होल्डर्स के मैं कलर रखूंगा वाइट, ठीक है। तो अगर ब्लैक के ऊपर नजर आए कि हमने वाइट किया, या ग्रे भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं वाइट के साथ जा रहा हूँ। एक प्लेस होल्डर ये हो गया, कंट्रोल जे करते हैं डुप्लीकेट के लिए, एक प्लेस होल्डर मेरा हो गया यहाँ पे। ये दो ऐसी जगह जहाँ पे मेरी इमेजेस आएंगी, कौन सी इमेजेस आएंगी अभी नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है यहाँ पे इमेज आएगी। तो ये हो गया बिल्कुल इस तरह। अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे तीसरी इमेज आएगी, सो मैं एक और रेक्टेंगल क्रिएट करूंगा, या इसी के डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, इस डुप्लीकेट को उठाया और यहाँ पे ले गया, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और इसको स्ट्रेच कर दूंगा ताकि ये पूरा कैनवस फिल कर ले जो ऊपर है। तो अभी तक मैंने तीन प्लेस होल्डर बना दिए हैं, यहाँ पे मेरी इमेजेस आएंगी, अभी नहीं है लेकिन आएंगी। तीन रेक्टेंगल्स यहाँ पे, इनको आप रीनेम कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट टू सेव टाइम रीनेम नहीं कर रहा। अब मैं इनको इनके रिस्पेक्टिव इमेजेस लाऊंगा, तो मुझे अपने फोल्डर पे जाना पड़ेगा और जो भी अवेलेबल इमेजेस हैं मुझे उसको यूज करना है। सो लेट्स ब्रिंग दिस वन, कुड नॉट प्लेस ब्लैक ब्ला 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 बिकॉज नो पार्ट्स ऑफ फाइल। अच्छा ठीक है, इसको पहले मुझे पीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक। अगर आपके पास ये एरर आता है ना, ये आप देख लें जरा, अगर क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आपके पास ये पहुंचेगी वीडियो, ये आपके पास भी एरर आ सकता है। क्यों एरर आएगा ये वाला, मैंने इमेज को उठाया और फोटोशॉप में ड्रॉप किया। अगर आपके पास ये वाला एरर आता है ना कि कुड नॉट प्लेस इमेज का नाम और बिकॉज नो पार्सर और फाइल फॉर्मेट कैन ओपन द फाइल, इसके में ये होता है कि जो फॉर्मेट आप अपलोड करना चाह रहे हैं फोटोशॉप में वो सपोर्ट नहीं है। उसका तरीका ये, आप राइट क्लिक करें इमेज को, अपने फोल्डर में जाके, माई कंप्यूटर जिसे भी पड़ा है, डी ड्राइव सी ड्राइव, उसे जाके इसको राइट क्लिक करें, ओपन विद पेंट करें और फिर दोबारा से सेव करें, या तो पीएनजी या जेपैक की फाइल में, और फिर उसको जहाँ आप फोटोशॉप में लाएंगे तो वो खुल जाएगी, ठीक है। तो मैं अब यही करने लगा हूँ ताकि इमेज इंपोर्ट कर सकूँ, और ओपन विद पेंट सेकेंड,
और ये एरर तब आएगा अगर आपने कोई व्हाट्सएप से डाउनलोड की है इमेज या फेसबुक से डाउनलोड की है, तो ये एरर 100% आपको आएगा। पुराने वर्जन अगर आपके पास है, 18 से पहले वाला वर्जन, अगर 18 के बाद है तो ये एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिया, इसका फॉर्मेट चेंज कर किया है। और अब ये प्रोबेबली इंपोर्ट हो जाएगी, हो गई है बिल्कुल। ठीक है, अब एरर नहीं आया, तो यही मैं चाह रहा था। ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ज़िंदगी में लाजमी आएगा, और इसको भी सिर्फ आपने पेंट पे जाके चेंज करना है फॉर्मेट। एनीवेज, ये इमेज मैंने इंपोर्ट कर ली जिस पे एरर आ रहा था, इसको मैं रीनेम करके बंद कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट हमें आइडिया हो कि इतना लंबा नाम ना हो इमेज का। अब ये मैंने तीन प्लेस होल्डर्स बनाए थे। अब प्लेस होल्डर के ऊपर इमेज को किस तरह से मैप करते हैं, इसको हम कहते हैं क्लिपिंग मास्क। और क्लिपिंग मास्क अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक नहीं पड़ी, हाँ, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिस इमेज को प्लेस होल्ड, पहले तो प्लेस होल्डर बना दिया, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू क्या है, इमेज को उठाएं। अब आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम आउट जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज है, अब आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर वाइट है और इमेज इमेज है आपके सामने नजर आ रहा है। इमेज जो है वो प्लेस होल्डर से बाहर जा रहा है, तो क्या सोल्यूशन होगा इसका? इसका सोल्यूशन है क्लिपिंग मास्क। वो क्या होता है, बाकी दो रेक्टेंगल्स को मैंने अभी हाइड कर दिया, अभी सिर्फ एक प्लेस होल्डर मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, जो इमेज आपने लाना है उस इमेज को बिल्कुल उस प्लेस होल्डर के ऊपर ले आए, लेयर पैनल के ऊपर। अब क्या हो गया, ये इमेज है और ये प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर के बिल्कुल ऊपर इमेज पड़ा हुआ है। इमेज जो है वो प्लेस होल्डर के ऊपर पूरा का पूरा मैप नहीं हुआ हुआ, ठीक है, बाहर निकल रहा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को जब ऊपर नीचे आ जाए एक दूसरे के, याद रखना है इमेज हमेशा ऊपर आएगी। इमेज जब ऊपर आ गई है, आपने ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड पे, ऑल्ट का की, आप माउस देखें लेयर पैनल में ये एरो बना आ जाएगा। इस एरो का मतलब क्या है कि आप अपनी इमेज को प्लेस होल्डर पे मैप करने जा रहे हैं, जस्ट क्लिक। अब आप देखें वो क्रॉप आउट हो गया। अब मजे की बात यह है कि वो क्रॉप आउट नहीं हुआ, वो सिर्फ हाइड हो गया है, सिर्फ उस पार्ट पे विजिबल है जहां जहां मेरा प्लेस होल्डर था। अब मैं अगर इमेज को मूव करूंगा तो मैं सारा देख सकता हूँ कि इमेज मौजूद है, क्रॉप नहीं हुई भी, लेकिन वो विजिबल उस पार्ट के ऊपर आ रहा है जिस पार्ट पे मेरा प्लेस होल्डर पड़ा। ठीक है, दैट्स क्लिपिंग मास्क। ये हमने करना है, लेकिन अभी क्योंकि वक्त आ गया तो मैंने सिखा दिया। कंट्रोल टी, अब मैं अपनी इमेज को रीएडजस्ट कर सकता हूँ, प्लेस होल्डर पे मैप हो गया जो हम चाह रहे थे। इन दोनों को उठा के एक ग्रुप में डाल देंगे, कंट्रोल जी प्रेस करें और इसको रीनेम कर देते हैं इमेज वन। खत्म हो गई बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लेस होल्डर पे जो बिल्कुल साथ ही है। अगेन मैं इमेज लेके आऊंगा अपनी, और इमेज मैं लाऊंगा इस रिंग की, ले आता हूँ। ठीक है, ये रिंग की इमेज आ गई है। इस रिंग को सबसे पहले तो मैं प्लेस होल्डर के ऊपर लेके जाऊंगा जो हमारा असूल है, और इमेज को एडजस्ट करूंगा। ये इमेज है, ये प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर के बिल्कुल ऊपर मेरी इमेज है। ऑल्ट का की प्रेस किया और क्लिप कर दिया, प्लेस होल्डर के ऊपर मैप हो गया जो हम चाह रहे थे। तो वंस अगेन कंट्रोल टी प्रेस करके इसको एडजस्ट करते हैं, और इतना एडजस्ट करना है कि एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ नजर आए अंगूठी का। अब इस इन दोनों को भी उठा के हम कंट्रोल जी करेंगे और इसको रीनेम कर दूंगा इमेज नंबर टू। दो इमेजेस आ गई हैं, बेशक इमेज क्रॉप हो गई है, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है, ब्रोशर है, इमेज के क्रॉपिंग का ऐसा कोई अभी फिलहाल इशू नहीं है मुझे। हाँ, बाद में कोई मसला होगा तो मैं देख लूँगा। अब हम आएंगे इस वाले पार्ट पे जो कि है लंबे वाला प्लेस होल्डर, और यहाँ के लिए मेरे पास अगर कोई इमेज है तो लेट्स सी, अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास वॉच की इमेज है तो मैं वॉच ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि जहाँ पे ज्वेलरी सेल होती है वहाँ पे वॉचेस भी होती हैं। तो क्लिप किया इसको, कंट्रोल टी किया, और देखते हैं कि ये मैप होगा सही कि नहीं। ये तो पूरी जगह नहीं बनेगी इसकी, सो लेट्स ब्रिंग इन अनदर इमेज, इसको किया और क्लिप किया, इसको डिलीट किया, कंट्रोल टी, इमेज को कंट्रोल टी किया,
थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि जितनी हो सके इमेज नज़र आए, एंड दैट्स इट। तीन इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। एक अब थोड़ा सा कंटेंट लिखना शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इस पोर्शन पे। और काश मैंने वो बिजनेस कार्ड सेव किया होता ताकि मैं वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा लेता, लेकिन खुद सब लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई मसला नहीं है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले तो इन दोनों को ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी एंड इमेज नंबर 3। इमेज नंबर 3 को यहाँ पे लिख दिया। अब हम लिखेंगे ज्वेलरी ब्रांड, वही नाम जो हमने पिछले बिजनेस कार्ड में लिखा था वो मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली नाम तो आपको पता होगा नाम क्या लिखना है। मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम बचाने के लिए एक ही टाइटल यूज़ करी जा रहा हूँ। 34 इसका मैंने फॉन्ट साइज किया है, और इसका स्लोगन क्या लिखा था हमने लास्ट टाइम, समथिंग लिखा था, फैशन एक्सेसरीज, पता नहीं क्या लिखा था, एंड अदर एक्सेसरीज, जो भी है, फैशन ज्वेलरी एंड वॉचेस लिख देते हैं, यहाँ पे वॉचेस भी आ गई है, ज्वेलरी एंड वॉचेस, कंट्रोल ए, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है, और इसको मैं आफ्टर ग्लो वाला फॉन्ट दूंगा विद रिड्यूस्ड साइज, और इसको मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सेव करूंगा। जूम करता हूँ ताकि आपको नजर आए एटलीस्ट कि मैं लिख क्या रहा हूँ, और इसको यहाँ पे लेके गए, इसको यहाँ पे लेके गए, ठीक है। अब थोड़ा सा फिल्टर आउट करते हैं, ज्वेलरी ब्रांड के बीच में स्पेसिंग काफी आ रही है, तो मैं किस तरह सही कर सकता हूँ, करेक्टर की विंडो पे जाएंगे और ये वी ए लिखा आ रहा है इसको मैं जीरो कर दूंगा, तो इनके बीच में जो स्पेसिंग आ रही है वो खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। पहली चीज तो ये होगी, ज्वेलरी एंड वॉचेस ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको इतना बड़ा कर देते हैं यहाँ पे आ जाए, और कहाँ पे लिखें इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रेस ओके। तो ऐसा कुछ हो गया, ब्रांड का नाम भी आ गया है और नीचे स्लोगन जो भी होता है वो आ गया है, तो मजीद क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अब, और यहाँ पे आई थिंक लेट्स जस्ट स्टार्ट विद प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी की डिटेल्स लिखने की जगह होगी, ये स्क्वायर थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट की एक रैंडम टेक्स्ट डाल रहा हूँ जो कि लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप सेंटर लाइन कर सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन नीट जो है वो हमेशा लेफ्ट लाइन लगता है, तो इसको सारा का हाईलाइट किया और लेफ्ट लाइन क्लिक कर दिया, इसी को ही उठा के मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टेक्स्ट आ जाए हमारे पास, और पेस्ट कर दिया एंड प्रेस ओके। फॉन्ट का जो साइज है वो 8 है, क्यों 8 है, क्योंकि जब ये प्रिंट होगा ना तो वो ऐसी शक्ल का होगा, तो ऑब्वियसली रीडेबल है ये, ठीक है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि बहुत छोटा फॉन्ट है, वो क्यों लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है बिकॉज हमने इसको कैनवस साइज को स्क्रीन के अंदर छोटा किया हुआ है, ठीक है। जब भी प्रिंट होके आएगा तो ये ऑब्वियसली पूरे A4 के पेपर पे आएगा, पढ़ा जाएगा, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। पॉइंट 8 से लेके 12 तक कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप साइज, और मैंने 8 सेलेक्ट किया हुआ है, आप 8 से लेके 10 तक कोई भी फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लें तो वो A4 के पेपर पे रीडेबल होता है, ठीक है। ये बात भी हो गई, अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा ग्रुप्स में डालते हैं ताकि एज ऑलवेज हमारा काम नीट रहे, और क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, फिलहाल काफी लिख लिया है, अब हम इस प्रोडक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, नहीं सिंपल क्लिक किया, और प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, लेट्स गो विथ सिल्वर प्लेटेड डायमंड रिंग, जो भी नाम होगा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ टाइटल लिख रहा हूँ, और टाइटल का मैं 8 पॉइंट के बजाय 10 या 12 लिखूंगा, तो 12 बहुत बड़ा हो गया, लेट्स गो विद 10, लेट्स गो विद 10 पॉइंट्स। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब आप टेक्स्ट को 8 पॉइंट दे रहे हैं तो आपने हेडिंग को 2 पॉइंट्स बढ़ा के देना है, और अगर आप 10 दे रहे हैं तो हेडिंग 12 होगी, अगर आप टेक्स्ट को 12 दे रहे हैं तो हेडिंग 14 होगी, इस तरह करके आपने अपना
सिस्टम चलाना है हेडिंग और टेक्स्ट का, ठीक है। तो इस के बारे में अब हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखेंगे, क्योंकि सिल्वर से हेडिंग से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पता नहीं पी के आर, लेट्स गो विद 3500, जितनी भी प्राइस है इसकी वो यहाँ पे आ जाएगी। और अवेलेबल इन available in stores and online, बल्कि मैं टैक्स क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, डमी टैक्स लिखना है, टाइम बचाओ। और ठीक है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज्वेलरी के रिलेटेड आएगी, लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ लेकिन वो पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं इन तीनों को अलाइन करना है तो मूव टूल पर जाएँ और लेफ्ट लाइन पर क्लिक कर दें तो ये अलाइन हो गया है, लेकिन इनके बीच में स्पेसिंग हिली हुई है, स्पेसिंग सही कर लेते हैं। और याद रखिए मैं अभी इमेजेस के कलर और टेक्स्ट के कलर को ब्लैक एंड वाइट ही रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मैंने आपको अपना तरीका बताया कि मैं हमेशा ब्लैक एंड वाइट में काम करता हूं और फिर जब फाइनल हो जाता है फिर मैं उसमें कलर्स डालता हूं, इससे मेरा टाइम बचता है, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्ट में ही कलर्स पे 2 घंटे लगा दूँ तो वो ना काम होना है और ना कोई डिज़ाइन बनना है। तो ये आप अपने ज़िंदगी में भी चीज़ें डालें कि पहले सिंप्लीफाइड एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएं और फिर उसके बाद जाके आप उस पर शशके वगैरह डालें। प्राइस को और अवेलेबल वाली लाइन को मैं टेक्स्ट में जाके 8 points दूंगा ताकि वो मेरी कंसिस्टेंट रहे मेरी फॉर्मेटिंग के साथ, ठीक है। और इसी तरह इसको मैंने किया ग्रुप में और इसको मैंने नाम दिया item 1। item 1 मतलब के item number 1 है। कंट्रोल जे किया और इसको डुप्लीकेट के नीचे ले आया, ठीक है। तो इस तरह करके मैं 3 एटलीस्ट आइटम्स बना लेता हूँ। इनके बीच में अगर मैंने स्पेसिंग देनी हो तो मैं क्या करूँगा, तीनों आइटम्स को सिलेक्ट किया, मूव टूल पे क्लिक किया और ये जो सैंडविच बना आ रहा है इस पे क्लिक कर दिया, तो इन तीनों के दरमियान में स्पेसिंग अच्छी आ जाएगी, यानी इक्वल। तो ये मेरा पहला पेज बन गया जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है ब्रांड के बारे में, एंड सेकेंडली 3 प्रोडक्ट्स मेंशन हुए हैं। मजे की बात ये है, ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं ये सिर्फ यहाँ पे नहीं आएंगे, ये और भी जगह पे आएंगे और इसको किस तरह से करना है वो देखते हैं। पहले तो इनकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि क्या मुझे कलर, चले कलर्स भी एंड पे देखेंगे या अभी कलर देख लेना चाहिए क्योंकि मैं अब डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ तो बाद में मसला ना आए। तो लेट्स ट्राई, अब मुझे ये सोचना है कि मेरा कलर्स की थीम क्या होगी। गोल्डन और ब्लैक, आई थिंक गोल्डन और ब्लैक, ब्लैक के ऊपर गोल्डन अच्छी लगती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सिल्वर प्लेटेड यहाँ पे आ रहा है, इसका कलर चेंज कर दें। सबसे पहले कलर चेंज करना है तो किस तरह से होगा, टेक्स्ट पे गए, ऊपर कलर पे क्लिक किया और ये कलर मैंने दे दिया जो कि मेरे ख्याल में ब्रोशर में ब्लैक के ऊपर सही लगेगा, ठीक है, इट लुक्स गुड। अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं कलर के बारे में, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये सही है ये गलत है। आपको कोई और कलर अच्छा लग रहा होगा, आपको पर्पल अच्छा लगेगा, आपको सिल्वर अच्छा लगेगा, तो वो अपनी प्रेफरेंस होती है। और अगर आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो क्लाइंट की प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट होती है, आपकी अपनी जाती आपको अपने वो ख़त्म करने पड़ते हैं, जो क्लाइंट कह रहा है आपने वही करना है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब मैंने इसको सिल्वर कर वो कर दिया कलर जो मुझे चाहिए, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से इनकी डुप्लीकेट कर रहा हूँ और वही सारे स्टेप्स कर रहा हूँ जो पहले किए थे, लेकिन अब मैंने क्योंकि कलर चेंज किया और ये आ गया। इसको उठाएं और करें कंट्रोल जी और इसको करें page number 1, यानी ये page number 1 की आइटम्स हैं, page 1 आइटम्स। कंट्रोल जे करें और इसको रीनेम करें page 2 आइटम्स, यानी अब ये page number 2 के, page number 2 का मतलब है section number 2। सेक्शन क्या है, जहाँ पे फोल्ड आ रहा है अभी पता चल जाएगा। ये इसके क्योंकि मैंने डुप्लीकेट किया इसलिए मैं इसको उठाने में कामयाब हो रहा हूँ। मुझे अब देखना ये कि कितना आता है यहाँ पे, इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तो हमारे 2 पेजेस ऑटोमेटिक, यहाँ पे 4 की जगह लग रही है मुझे, तो इसलिए क्योंकि जब आप ब्रोशर बना रहे होते हैं तो जितने आइटम्स आप बना सकते हैं आप
उसमें डालें, ताकि अगर एक बंदे के पास चला गया है तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो देख सके। दो पेजेस हमारे कंप्लीट हो गए, लेफ्ट वाला और राइट वाला। अब ज्वेलरी ब्रांड जो मैंने लोगो बनाया अपना, उसको भी अगर मैं कलर, या फिर इस ज्वेलरी एंड वॉचेस को मैं कलर चेंज करता हूँ तो ठीक है। बाय द वे वहाँ पे लोगो आएगा, लोगो हमारे पास अभी है नहीं। तो टू पेजेस हो गए। अब इस पेज पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सोचना होगा कि जो थर्ड और फोर्थ सेक्शन है यहाँ पे क्या टेक्स्ट डालें। मैं यहाँ पे मज़ीद आइटम्स भर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अब वो बोरिंग हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि ब्रांड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ उसकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो हमने यहाँ पे दे दी है पेज नंबर वन में। उसका नाम इंपॉर्टेंट था वो हमने दे दिया है, ठीक है। ज्वेलरी ब्रांड और वॉचेस जो भी है। आइटम्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हमने तीन और चार, सात आइटम्स दे दी हैं। पिक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, पिक्चर्स हमने तीन दे दी हैं। अब क्या रह गया, यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोबेबली डील्स डाल देते हैं, ठीक है। अब बात यही है ना कि मैं ज़ाती तौर पे अपनी जो मेरा दिमाग कह रहा है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी क्लाइंट के साथ मेरा मैं अटैच होऊंगा तो वो मुझे क्लाइंट जो कह रहा होगा मुझे वो करना होगा, ठीक है। तो पहले बात अपनी ये जहन में रखनी है कि अभी हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं आपसे बात करके ये डिसाइड करूँ कि हम क्या क्या बनाएं। तो मेरे ख्याल में एक चीज़ रह गई है, वो है डील्स। तो हम डील्स लिख देते हैं यहाँ पे। पेज टू आइटम्स पे जाएंगे, उसके डुप्लीकेट किया और उसको यहाँ पे ले गए। मैं डुप्लीकेट किया है सिर्फ इसलिए ताकि मुझे बनी बनाई लेयर्स मिल जाएं, मुझे बनानी ना पड़े। तो लेट्स गो विद सिल्वर पेंडेंट प्लेटेड डायमंड रिंग। यहाँ पे हेडिंग मेरी आएगी कोई भी ऐसी हेडिंग जो डील्स से रिलेटेड हो। तो ईद आ रही है तो ईद की कलेक्शन कर देते हैं। ईद डील्स आएंगी यहाँ पे, ईद डील्स, या पे ट्रेंडिंग डील्स फॉर ईद 22, ठीक है जी। हेडिंग अच्छी बना सकते हैं आप, मेरा दिमाग इस वक्त इस मामले में नहीं चल रहा। और ट्रेंडिंग डील्स फॉर ईद 2022 को मैंने किया ये, इसको मैंने किया 14 पॉइंट्स बिकॉज ये हेडिंग है। और ठीक है, अब यहाँ पे खैर डील्स अब मुझे बनानी पड़ेंगी, लेकिन मैं क्या करूँगा, दो नंबर तरीका इस्तेमाल करूँगा कि पेज नंबर टू पे जो आइटम्स हैं, अब मैं ये सारी की सारी आइटम्स उठाऊँगा। हेडिंग मेरे पास आ गई है, ट्रेंडिंग डील्स फॉर ईद 2022। यहाँ पे मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, ईद 2022 को मैं वाइट कलर दे रहा हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए थोड़ा सा, और ऊपर ट्रेंडिंग डील्स तो आ ही रहा है। पेज नंबर टू की ये सारी आइटम्स मैंने उठानी है, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट हो गई। मूव टूल के साथ इसको मैंने ऊपर ड्रैग किया। आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्रुप करने से कितनी काम तेज़ हो जाता है। बिजनेस वाले क्लास में भी आपने देखा था, मैं जब ग्रुप करता था तो ऑटोमेटिकली मुझे मेरा टाइम बचता है। तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है इस इन क्लासेस से। अगर कुछ सीखना है आपने तो वो ये चीज़ें सीखनी है कि वर्क फ्लो किस तरह से इम्प्रूव होता है हमारा। तो बाकी डिज़ाइन तो अपने अपने दिमाग के हिसाब से हम बनाते हैं, लेकिन ये जो वर्क फ्लो वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसी जो कि आप कॉपी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और इससे 100% आपका वर्क फ्लो बेहतर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है पेज नंबर टू की चीज़ें यहाँ पे कॉपी हो गई हैं। अब ये एम्प्टी स्पेस रह गई है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हमने ये सोचना है। एक ट्राई करता हूँ मैं, एक चीज़ अगर यहाँ पे थोड़ा फैंसी सा लिख सकते हैं हम, हरी अप, क्योंकि डील्स है ना, तो डील्स ऑब्वियसली टाइम लिमिटेड होती हैं। तो लेट्स सी के क्या ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता। अगर ना भी लगे, मैं सिर्फ और सिर्फ जगह भरने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ हरी अप, और फॉन्ट
थोड़ा सा चेंज करते हैं। यस किया, प्रेस टी, ये फॉन्ट फिर बेहतर है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं आइटम्स डाल सकता हूँ, आपको भी पता है मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन मैं क्यों नहीं डाल रहा, वो फिर एक स्टैटिक सी लुक आना शुरू हो जाएगी, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा चेंज किया है। हरी अप किया है या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर, कोई भी इस तरह का कैची सा कैप्शन आप यहाँ